रेसिपी बनने वाली है और जो मेरी आज की रेसिपी है वो है मज़ेदार से चॉकलेट केक रोल। तो ये केक रोल जो है ये चॉकलेट वाला अभी मैं आपके सामने रेडी करूंगी और ये स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बिना ओवन के भी बना सकते हैं, मैं इसे ओवन में बेक करूंगी, आप इसे जो है बड़े से पतीले में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखें व्यूवर्स, यहाँ मेरे पास तकरीबन जो है 4 अंडों की जर्दी थी जो मैंने इस तरह निकाल दी है और यहाँ मेरे पास तकरीबन जो है 1/2 कप जितना जो है बटर था। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। आप इसमें मेल्ट किया हुआ बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर सॉफ्ट था तो इसीलिए मुझे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लगती है और मज़ीद आप लोग मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने जो है अंडे की जर्दी और बटर को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून जितनी आइसिंग शुगर ऐड करूंगी। आप इसमें बटर की जगह पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 कप आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर, शुगर हमने इसमें मिक्स कर दी है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप जितना मिल्क ऐड करूंगी। दो से तीन ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें जो है हमारा केक फ्लावर यानी कि मैदा ऐड होगा। टू टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड होगा। अभी इन तमाम चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखें व्यूअर्स, हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है और यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून जितना बेकिंग पाउडर है, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखें व्यूअर्स, मैंने जो 4 अंडों की जर्दी ली थी तो उसका जो वाइट पार्ट था वो मैंने अलग से बाउल में निकाल दिया था। अब हम इस सफ़ेदी को अच्छे से जो है फ्लफी करेंगे, एकदम जो है फॉर्म में इसको हम ले आएंगे, फिर हम इसे अपने केक के बैटर में जो है ऐड करेंगे। यहाँ देखें व्यूअर्स, हमारा केक का बैटर यहाँ रखा हुआ है जिसको हमने पहले ही अच्छे से जो है मिक्स कर दिया था और यहाँ हमारे पास जो है एक का जो व्हाइट वाला पार्ट था उसको भी हमने जो है फॉर्म में ले आया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करूंगी, ऐसे 1 टेबलस्पून जितना आप लेते जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से जो है आप इसे मिक्स करते जाएं। देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है ओवन ट्रे ले ली
है और उस पर मैंने बटर पेपर रख दिया है। अब मैं इसमें जो हमने जितना भी अपना बैटर रेडी किया था वो हम सारा इसमें रख देंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट में ये केक हमारा बेक हो जाएगा और 180 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे। आप इसको 160 डिग्री पे भी बेक कर सकते हैं, 120 डिग्री पर भी आप इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 180 डिग्री पर ही बेक करूंगी ताकि ये जल्द से जल्द बेक हो जाए और इतने में भी ये परफेक्ट बेक हो जाता है। अब मैं तमाम बैटर इसमें ऐड करूंगी। बीट करेंगे क्योंकि हमने केक रख दिया है अपना बेक करने के लिए। अब हम उसकी आइसिंग रेडी करेंगे, उसके लिए हम मज़ेदार सी जो है क्रीम बनाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, केक हमारा बेक हो गया है और ये मैंने इसे ओवन से निकाल दिया है। अब हम इसे जो है रोल करेंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर रख दिया है और अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अभी मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। मैंने अंदर जो है व्हाइट क्रीम इसके जो है कोट की थी, अब ऊपर जो है मैंने इसमें कोको पाउडर वाली क्रीम को जब मैंने व्हिप कर दिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर ऐड कर दिया। ये देखें व्यूअर्स, केक पे मैंने क्रीम सारी जो है कोट कर दी है। अब मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी कुकिंग चॉकलेट ली थी उसको मैंने मेल्ट कर दिया है। अब मैं इसकी गार्निशिंग उससे करूंगी। अब इस तरह केक पे इस तरह स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए ऊपर से आप इसके चॉकलेट को क्रैक कर दें। देखिए मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट रोल केक रेडी है। अब मैं आपको इसे कट करके भी बताती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए। ओके व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये मजेदार सी केक रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और ये मज़ेदार सा केक रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत यमी और डिलिशियस सा बना है और मैं ट्राई कर चुकी हूँ। आई होप आप लोग भी बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे मेरी इस रेसिपी को। स्पेशली बच्चों के लिए आप लोग ज़रूर ये बनाइएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।